हाई एंजल्स वेलकम टू अपना ऑनलाइन स्कूल सो यर आई एम टू बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ योर मैथ्स फ्रॉम योर मैथ्स टेक्सट बुक स्टैंडर्ड टू क्लास सो एंजल्स आज हम करेंगे एक नई चीज़ और एक सीखेंगे एक नई चीज़ जो हम रोज़ शायद करते हैं यू नो पर हमें यह नहीं पता होता है, उसका नाम क्या होता है सो एंजल्स आज हम सीखेंगे कि कैसे जब दो चीज़ हमारे पास होती है तो उसे क्या कहते हैं सपोज अगर आपके पास टू uh, चपाटी है ओके यू हैव टू चपातीज़ एंड योर ब्रदर आपका भाई उसके पास भी दो चपाटी है तो uh, आप दोनों के पास दो दो चपाटी है लेकिन अगर वो दो दो जैसे अगर आपके पास दो है आपके भाई के पास दो है तो जब वो दोनों को मतलब दो दो को आप मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी वो टोटल वो हो जाएगी फोर बिकॉज टू प्लस फोर टू प्लस टू इज़ फोर है ना टू थ्री फोर टू चपातीज आपकी भाई की वन मोर थ्री और वन मोर हो जाएगी फोर सो so, इसे कहते हैं एडिशन इसे कहते हैं सम सम एस यू एम सम या फिर एडिशन सो एंजल्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड फन विथ एडिशन तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई हैं फ्रॉग्स की तो so, पहले है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फ्रॉग्स हैं और प्लस टू फ्रॉक्स है और दो वन टू सो एंजल्स ये फाइव है और ये टू है सो hmm? so, अगर हमें इन्हें ऐड करना है इन्हें जोड़ना है फाइव के साथ तो हम करेंगे फाइव प्लस टू सो दिस इज द साइन ऑफ एडिशन ये एडिशन का साइन है ये प्लस का साइन है सो फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन तो ये कैसे आया ये ऐसे आया कि फाइव सपोज़ अगर यहाँ पे मैंने बनाया है जैसे आपको पहले सिखाया गया था कि फाइव uh, जैसे कि सपोज़ uh, अगर फाइव डॉट्स सपोज अगर फाइव डॉट्स बनाए हैं ओके जैसे फाइव डॉट्स हैं तो फाइव और उसमें दो और डॉट्स ऐड कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा सिक्स सेवन सो टोटल देर आर सेवन फ्रॉक्स सो फाइव प्लस टू इज़ इक्वल टू सेवन ठीक है लेकिन एक एक दूसरी बात भी हमें सिखाई गई कि यहाँ पे टू फ्रॉग्स हैं और यहाँ पे फाइव फ्रॉग्स हैं तो टू प्लस फाइव भी सेवन ही होगा एंजल्स ओके सो so यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो कह रही है फाइव एंड टू मेक सेवन फाइव एंड टू इज सेवन एंड सो डू टू एंड फाइव मतलब फाइव और टू तो सेवन है ही लेकिन टू और फाइव भी सेवन है वॉट फन दैट्स नाइस तो ये दूसरा स्टूडेंट है उसने कहा इट मीन्स इसका मतलब है दैट चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम तो सम मतलब होता है एडिशन ओके okay? ये एडिशन का दूसरा वर्ड है सम तो ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि अगर हमने चेंज कर दिया जैसे यहाँ पे फाइव की जगह टू लिख दिया और टू की जगह फाइव लिख दिया तो भी काउंटिंग चेंज नहीं होगी एंजल्स जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा फाइव प्लस टू भी सेवन रहेगा टू प्लस फाइव भी सेवन रहेगा वैसे ही एंजल्स वन प्लस वन वन प्लस टू भी थ्री ही होगा और टू प्लस वन भी थ्री ही रहेगा राइट नेक्स्ट दैट्स राइट नाउ टू चेक दिस आउट डू द फॉलोइंग एडिशंस तो यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एडिशन करने के सो लेट्स डू इट फोर प्लस वन। एंजल्स फोर प्लस वन इज फाइव है ना नेक्स्ट नाइन प्लस फाइव नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो ये वही था जो हमें लास्ट चैप्टर में हमने जम्प्स किए थे ना ये वही टाइप के हैं एंजल्स थ्री प्लस सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो थ्री प्लस सेवन इज टेन नेक्स्ट एट प्लस थ्री एट नाइन टेन इलेवन सो एट प्लस थ्री इज़ इलेवन एट प्लस फोर एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व सो एट प्लस फोर इज़ ट्वेल्व फाइव प्लस सिक्स फाइव फाइव से हमें फाइव में हमें और सिक्स को ऐड करना है तो फाइव प्लस सिक्स का सम क्या होगा फ़ाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो फाइव प्लस सिक्स इज़ इलेवन जीरो प्लस थ्री एंजल्स क्या रहेगा थ्री क्यों रहेगा थ्री क्योंकि थ्री एक नंबर है लेकिन थ्री के साथ जीरो प्लस हो रहा है तो वो थ्री तो थ्री ही रहेगा है ना कोई नंबर नहीं है वो वन प्लस फोर वन प्लस फोर कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव तो फोर वन प्लस फोर इज फाइव नाइन प्लस फाइव नाइन से हमें फाइव को एड करना है सो so नाइन के बाद फाइव और हमें सम लेना है उसका सो so नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन सो नाइन प्लस फाइव इज फोर्टीन सेवन प्लस थ्री सो एंजल्स ये देखिए आप हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि फोर प्लस वन फाइव वन प्लस फोर भी फाइव फाइव प्लस नाइन फोर्टीन नाइन प्लस फाइव भी फोर्टीन थ्री प्लस सेवन इज़ टेन सेवन प्लस थ्री इज ऑल्सो टेन सो वैसे ही ये कंटिन्यू करते हुए सब कुछ सेम है आंसर खाली नंबर्स को आगे पीछे कर दिया है सो इन चीज़ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है हमें अपना कैलकुलेशन करते जाना है आई होप दिस इज सिंपल फॉर यू एंड बेसिकली दिस इज जस्ट सिंपल एडिशन सम ऑफ टू नंबर्स और वो भी सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स सो एंजल्स आप ऐसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी सिंगल डिजिट नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आप ले सकते हैं आ, आप ले सकते हैं फाइव प्लस फाइव ओके देन यू कैन टेक फोर प्लस सिक्स सॉरी कैन यू कैन टेक फोर प्लस सिक्स देन यू कैन टेक सिक्स प्लस सिक्स ओके देन यू कैन डू विथ नंबर्स फाइव प्लस then you can do नाइन प्लस नाइन so i have taken only single digit number angels आपके practice के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ ठीक है देन यू कैन टेक सेवन प्लस टू देन यू कैन टेक वन प्लस टू ओनली फॉर योर प्रैक्टिस ताकि आप इन सब से प्रैक्टिस कर सकें और आपको एक क्लू मिले कि कैसे एडिशन होता है और ये हो गया नेक्स्ट इज सेवन प्लस फोर ओके एंजल्स सो ये है सम्स आपके लिए आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में और आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट uh, समझ में आएगा ओके सो बाय फॉर नाउ